फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हैकर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हैकर क्या है और हैकर के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, हैकर क्या है। इसका आंसर है, वह व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उसे हानि पहुँचाने के लिए प्राप्त करता है, हैकर कहलाता है। वैसे तो हैकिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हैकिंग के सिर्फ 6 इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है हमारे पास वेबसाइट हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि किसी वेब सर्वर और उसके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि डाटाबेस और दूसरे इंटरफेसेस के ऊपर अनऑथराइज कंट्रोल प्राप्त करना। तो सेकेंड है हमारे पास नेटवर्क हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि किसी नेटवर्क के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना और जिनके लिए कई टूल्स हैं जैसे कि टेलनेट हो गया, एनएस लुकअप हो गया, पिंग, ड्रेसर्ट, नेटस्टेट और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य केवल नेटवर्क सिस्टम और उसके ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाने का। थर्ड है ईमेल हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि इसमें हैकर्स बिना मालिक के परमिशन के ही इसके ईमेल अकाउंट पर अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेता है, बाद में जिसे वो अपने इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है। फोर्थ है एथिकल हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क के वीकनेस को पहचानना और उसे ठीक करने में ओनर की मदद करना। ये एक सेफ हैकिंग प्रोसेस है, इसमें ओनर की देखरेख में सभी कार्य किए जाते हैं। फिफ्थ है पासवर्ड हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि जिसमें सीक्रेट पासवर्ड्स को रिकवर किया जाता है, डाटा से जिन्हें की कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया है ट्रांसमिट किया जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। सिक्स है हमारे पास कंप्यूटर हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है कि जिसमें कि हैकर किसी कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर आईडी और पासवर्ड को जान जाता है हैकिंग मेथड्स के इस्तेमाल से, जिससे वो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। इससे ओनर्स को अपने डाटा की चोरी होने का खतरा होता है।